आपके पास क्या है? क्या अल्फाज है पेपर फ्लावर्स वाटर मैच कव्स एंड वल्व पहले पहला क्या है आपके लिए ब्लैंक एक गिलास ऑफ डैश डैश हमने क्या लगाया इधर वाटर पानी का एक गिलास पानी का एक गिलास अब दूसरा है बंच ऑफ डैश डैश ए बंच ऑफ हमने क्या इसको लगाया बंच किसको बोलते हैं गुच्छा को फ्लावर्स फूल ए बंच ऑफ फ्लावर्स फूलों का एक गुच्छा ए बॉक्स ऑफ मैच्स बॉक्स हो गया डब्बा ए बॉक्स ऑफ मैच तीलियों का एक डिब्बा uh, दूसरा है ए हर्ड ऑफ डैश डैश हर्ड किसको बोलते हैं झुंड को ए हर्ड ऑफ काउस हमने क्या लगाया इधर काउस ए हर्ड ऑफ काउस गायों का एक झुंड ए शीट ऑफ डैश डैश ए शीट शीट पर्चा शीट ऑफ पेपर्स पेपर्स क्या हो गए काकज काकस का एक पर्चा अब और एक है ए ए पैक डैस डैस, पैक पैक ऑफ ऑफ डैश डैश हो गया भेड़ियों बे, का एक ग्रू अब दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आपको नीचे सेंटेंस दिए गए हैं और इनको आपको खा, इनमें खाली जगह दी खाली जगह में आपको महीनों के नाम लिखने डेज के नाम लिखने और इनको सेंटेंस को पूरा करना है पहला वाला सेंटेंस है द शॉर्टेस्ट मंथ इज डैश डैश सबसे कम दिन वाला महीना किस महीने में कम दिन होते हैं बच्चों आपको पता है हमारे पास एक महीना है जिसमें 28 या उनतीस दिन होते हैं वो कौन है फरवरी फरवरी के अठाईस दिन होते हैं जब फरवरी उन्तीस दिन का आएगा इसको हम लीप ईयर कहते हैं। हर चार साल के बाद लीप ईयर आता है साल में कितने दिन होते हैं? साल में तीन सौ पैंसठ दिन और घंटे होते हैं। अब शॉर्टेस्ट मंथ कौन है फेबरवरी क्या द शॉर्टेस्ट मंथ इज फेबर दूसरा है थ्री मंथिन बिगिन इस, थ्री लेटर जे और डैश 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 तीन महीनों के नाम आपको लिखने हैं जिनका नाम जे से शुरू होता है वो कौन कौन है बच्चों एक जनवरी का नाम जे एन यू ए आर वे जनवरी जे से स्टार्ट होता है और दूसरा जे एन जून जून जे से स्टार्ट होता है और जुलाई वो भी जे से स्टार्ट होता है जनवरी जून एंड जुलाई अब तीसरा है The two days in the week, the two days in the week, the names of which बिगिन uh, begin with the letter T or dash dash and dash dash. हफ्ते में आपको दो दिन के नाम लिखने हैं जिनका नाम टी से शुरू होता है हफ्ते कितने हफ्ता कितने दिनों का होता है सात दिनों का इसमें आपको सात दिनों में आपको देखना है कि टी से कौन कौन सा दिन स्टार्ट होता है एक हो गया Tuesday. T -U -E S टी A Y ट्यूजडे टी से स्टार्ट होता है और थर्सडे टी एच यू आर एस डी ए वाई थर्सडे वो भी टी से स्टार्ट होता है अब आपको और एक सेंटेंस है द स्कूल वीक स्टार्ट ऑन मंडे स्कूल का हफ्ता मंडे यानी सोमवार शुरू होता है विच इज द डैश डैश डे ऑफ द वीक इसलिए अब आपको बताना है कि हफ्ते का पहला दिन कौन सा है हफ्ते विच इज द डायस डे ऑफ द वीक इसलिए सोमवार हफ्ते का पहला दिन है क्या है हफ्ते का पहला दिन खाली जगह में हमने क्या लिखा है हफ्ते का फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट अब एक और है द नेम्स ऑफ द थ्री मंथस एंडस इन एंडस इन आर हमें ऐसे तीन महीनों के नाम लिखने हैं नाम बताने जिनके आखिर पैर ई एम बी आर आता है वो कौन कौन सा है दीज मंथस आर हमें ऐसे तीन महीनों के नाम लिखने हैं जो लास्ट पे ई एम ई आर आखिर पर ई एम बी आर से खत्म होता है अब आप बच्चों आपको मैंने इधर खाली जगह मैंने वी ई एम ई आर नवम्बर है ना एम बी आर इसके लास्ट पे और एक लिखा है मैंने डी ई सी एम बी आर डिसम्बर ई एम बी आर है ना इसको लास्ट पे और एस ई पी टी ई एम बी आर इसके भी लास्ट पे ई एम ई आर सेप्टर सेप्टंबर नवम्बर दिसंबर ये तीन आते हैं जिनके लास्ट पे ई एम बी आर आता है डैश डैश इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर साल के तीसरे महीने के आपको नाम बताना है पहला क्या है जनवरी दूसरा फेबरवरी तीसरा मार्च अब तीसरा क्या है मार्च एम ए आर सी एच मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर दियर आर सेवन डेज इन ए वीक हफ्ते में सात दिन होते हैं ये आप सब को पता है सो मिड वीक इज द फोर्थ डे जब हफ्ते में सात दिन होते हैं तो हफ्ते का दरमियानी दिन कौन सा दिन आता है चौथा दिन विच इज डायस्ट वो कौन सा है जब हम मंडे से स्टार्ट करेंगे मंडे ट्यूसडे वेन्सडे थर्सडे आता है ना फोर्थ दिन इसलिए विच इज डायस्ट वो क्या आता है थर्स डे बच्चो आज के लिए इतना ही काफी बच्चों इसकी अच्छे से कॉपी बनाना इसको याद भी कर लर्न भी कर लेना आज के लिए इतना ही काफी कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज